जय हिंद दोस्तों, आज हम बताने वाले सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिला था, लेकिन जैसे ही सुब्रमण्यम स्वामी ने ये ऑर्डर दे दिया था कि अब सुशांत सिंह राजपूत केस का जो इंक्वायरी है वो सीबीआई करने वाली है, तो दोस्तों मैं बता दूं कि पहले ही दिन से सीबीआई ने उन लोगों का नाम जो अपने लिस्ट में रखा है वो सामने आ सकता है। तो बताया जा रहा है कि जब सीबीआई जांच होगी तो उसमें किन बड़े लोगों का नाम आ सकता है आपको मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दरअसल बात यह है दोस्तों कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में जिन बड़े लोगों का जो नाम सामने आने वाला है, सीबीआई ने खुद ये बात कही है कि इस मामले में सबसे पहले पूछताछ रिया चक्रवर्ती से की जाएगी। उसके बाद बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती से अगर कोई भी सबूत हाथ लगा तो उसके साथ साथ पूरे जो आइटम है, पूरे खेल में जो चल रहा है, आदमी सभी को पकड़ा जाएगा। आखिर मैं आपको बता दूं, पहला विक्टिम जो है रिया चक्रवर्ती, इनसे पुलिस जोरों शोरों से पूछताछ करेगी। इसके बाद मैं बताता हूं दूसरे नंबर का जो आदमी है वो है संदीप, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के जो सबसे क्लोज फ्रेंड थे संदीप, उनका भी खुलासा अब होने वाला है, क्योंकि सीबीआई ने साफ साफ कह दिया कि सबसे पहले इन्हीं लोगों से पूछताछ की जाएगी। पता नहीं इन लोगों के पास क्या सबूत है, क्या ये लोग सच बताएंगे कि नहीं, आपको मैं जरूर अपडेट देता रहूंगा। इसके बाद तीसरे जो है सबसे बड़े विक्टिम वो है सुशांत सिंह राजपूत के जो नौकर थे दीपेश, उनसे भी पुलिस अब पूछताछ करने वाली है, क्योंकि बताया जा रहा है कि मुंबई पुलिस ने सभी से पूछताछ की थी लेकिन कोई भी सबूत हाथ नहीं लगा था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब ये होगा कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब होगा तो ये मुंबई पुलिस से भी पूछताछ कर सकती है, क्योंकि बताया जा रहा था, सोशल मीडिया पे काफी ट्रोल हो रहा था कि इस केस में कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस का भी हाथ है। तो सीबीआई किसी को नहीं छोड़ने वाली दोस्तों, इन सभी पे कार्रवाई होने वाली है। और बड़े एक और बड़े जो अभिनेता है उनके बारे में भी बड़ा अपडेट आया है, जिसमें बताया जा रहा है सलमान खान, करण जौहर समेत आलिया भट्ट, उसके बाद बहुत ऐसे बड़े बड़े एक्टर्स हैं जिनको हिरासत में लिया जाएगा और उनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत को किस तरह से उन लोगों ने डिप्रेस किया था। मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों कि सुशांत सिंह राजपूत के कमरे में जो दवाइयां मिला था वो दवाइयां बिल्कुल फेक था, वो किसी भी प्रकार का जो कि सुशांत सिंह राजपूत से कोई भी ताल्लुकात वो दवाई नहीं रखता था, क्योंकि मैं आपको बता दूं सुशांत सिंह राजपूत कभी डिप्रेस हुए ही नहीं थे। ये बात बना बनाया हुआ एक खेल था जो कि बहुत दिनों से खेला जा रहा था। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सीसीटीवी कैमरे के साथ जो जिन्होंने छेड़छाड़ की थी अब वो भी सामने आ ही जाएगा, क्योंकि बताया जा रहा है उस समय का सीसीटीवी कैमरा जो कि बंद था। तो दोस्तों आप लोगों का क्या विचार है, क्या इन लोगों से पूछताछ करनी चाहिए, क्या ये लोग सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ा है, अगर जुड़ा है तो इन लोगों को सजा तो जरूर मिलनी चाहिए। पूरे यूपी बिहार समेत भारत के कई राज्यों में ये भी कहा जा रहा है कि जब तक सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग जो कि प्रदर्शन करते रहेंगे जस्टिस फॉर सुशांत। तो आपका क्या राय विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। क्या रिया चक्रवर्ती के साथ साथ उनके जो नौकर दीपेश थे, उनके जो साथी संदीप थे, ये लोग भी अब हिरासत में जाने वाला है, तो क्या आपको लगता है कि ये लोग मुंह खोलेंगे? अगर मुंह खोलेंगे तो बड़े बड़े एक्टर जो कि सलमान खान, करण जौहर, आलिया भट्ट, इसके बाद सूरज पंचोली, ये लोग भी इस केस में शामिल हो सकता है और सब पर कार्रवाई होने वाली है। तो आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगले वीडियो में मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।